Good morning, students. This is Garima Dubey in front of you all again. I welcome you all to the latest series of computer. So, students, as you know that yesterday we have completed the topic that how you can work with the worksheet that you have read, that you have learned, that how you can add a worksheet, how you can delete a worksheet, how you can rename a worksheet. Now, today we will discuss that how you can save a worksheet. So before going to know the steps, we will first go through the book and then we will try to understand those steps which is written in your book. So you have to open your page number 55. It is written saving a workbook, right? File tab, select the save option. So jaise hi aap file, ek aapko file aise karke file option dekhega, file tab. So the file tab, theek hai? इस फाइल टैब में आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज द फाइल टैब, राइट? तो इस फाइल टैब में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दी फाइल टैब. एंड जैसे ही आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेव एज का एक ऑप्शन आएगा. तो आप उस सेव एज पे क्लिक करोगे, देन यू विल राइट द नेम, यू विल मेंशन द नेम दैट यू वांट टू सेव योर फाइल एज. ठीक है, तो आपको अपनी फाइल को जिस भी नेम से सेव करना है आप वहां पे सेव करोगे. सो दिस रिटन द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेलेक्ट द ड्राइव एंड द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक. सो बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड देन सेलेक्ट द सेव ऑप्शन, राइट? आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द ड्राइव एंड द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक. तो पहले आप क्या करोगे, आप फाइल टैब पे जाओगे, वहां से सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड आफ्टर दैट आप क्या करोगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा वहां पे. कौन सा डायलॉग बॉक्स, आई एम रबिंग दिस, कौन सा ऑप्शन अपीयर हो जाएगा आपके पास, सेव एज डायलॉग बॉक्स. ठीक है, सेव एज, ये जो डायलॉग बॉक्स है ये अपीयर हो जाएगा ऐसा. ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स ऐसे अपीयर हो जाएगा. आफ्टर दैट आपको क्या करना, आपको वहां से ड्राइव सेलेक्ट करनी है, ए मतलब बी ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आप जिस भी ड्राइव पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी फाइल वहां होनी चाहिए. सो यू विल सेलेक्ट दैट ड्राइव एंड द फोल्डर यू वांट, लाइक यू आर मेकिंग योर फोल्डर लाइक फोल्डर एक्स वाई जेड. तो आप सी ड्राइव में क्या करोगे, एक्स वाई जेड जो फोल्डर है आप वहां सेव करना चाहते हो. देन सेलेक्ट, देन टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. तो यू कैन सी दिस पिक्चर, पिक्चर 6.5 इन योर बुक, लाइक इट इज द सेव, दिस इज द डायलॉग बॉक्स, दैट इज द डायलॉग बॉक्स व्हिच विल अपीयर व्हेन यू विल क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन, राइट? सो उसमें आपको यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, फोल्डर सेलेक्ट करना होगा. देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नेम, राइट? आपको किस नाम से अपनी फाइल को सेव करना है, दैट यू हैव टू सेलेक्ट. And after that, you will save the option. ठीक है, आप save option पे click करोगे and your file will get be saved by the extension. कौन से extension से आपकी file save होगी? .xlsv. ठीक है, जिस दिन .xlsv आपको ये extension जो होगा, ये आपकी इस file के लिए, क्योंकि it is your Excel file, right? So ये इसका extension होगा. ठीक है, so remember this extension because it may be, these extensions can be asked in your examination or in your practical as well. So thank you for today's lecture, because today only we have to discuss the saving of workbook, and here we are completing with this lesson, that is chapter number 6 today. And after that I will give you the question answer exercise questions, so you please go through that and watch this video if you